मुजफ्फरनगर शहर के लिए आज का दिन बहुत आफत वाला है। आज एक दिन में 33 पॉजिटिव केस मिलने से जिले में हड़कंप मच गया है। आज मिलने वाले मामलों में 11 गांधी कॉलोनी इलाके हैं। आज 17 केस पहले मिल चुके थे और अब 16 और नए केस मिलने से संख्या 33 हो गई है, जो जिले में एक दिन में मिले केसों में सबसे ज़्यादा है। अब जो 16 मिले हैं इनमें 11 गांधी कॉलोनी के हैं, जिनमें से 6 गांधी कॉलोनी में मिले आर्किटेक्ट से संपर्क में आए थे, जबकि एक रैंडम सैंपल में मिला है। बाकी 4 सुभाष नगर में मिली महिला से जुड़े हुए हैं। एक मरीज जिला जेल में मिला है, जबकि एक स्टेट बैंक कॉलोनी में मिला है। 2 मरीज ग्राम बागोवाली में मिले हैं और एक मीरापुर में मिला है। इससे पहले जिले में 17 मामले सामने आए थे, जिनमें बुढ़ाना से ही 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे, जो सभी पूर्व में पॉजिटिव पाए गए सराफ के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा जनपद से कस्बा मंसूरपुर से 1, कस्बा शाहपुर से जूता व्यापारी के 2 परिजन और कस्बा जानसठ से 1 नया कोरोना पॉजिटिव मिला था। शहरी क्षेत्रों में सर्कुलर रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक का एक कर्मचारी, शहर के बीचों बीच स्थित सिटी सेंटर मार्केट से 1 व्यक्ति, सर्कुलर रोड स्थित टीचर्स कॉलोनी से 1 व्यक्ति तथा शहर के मोहल्ला प्रेमपुरी निवासी 1 व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों को बेगराजपुर मेडिकल में ले जाकर भर्ती कराया है। आज 482 सैंपल के परिणाम प्राप्त हुए हैं, इसमें से जो है 33 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और एक व्यक्ति है 9 बुढ़ाना से, 1 मंसूरपुर थाना क्षेत्र से, 2 शाहपुर, 1 जानसठ, 1 PNB सर्कुलर रोड, 1 सिटी सेंटर, 1 टीचर्स कॉलोनी, 1 प्रेमपुरी, 4 सुभाष नगर, 2 बागोवाली, 7 गांधी कॉलोनी, 1 SBI कॉलोनी, 1 मीरापुर और 1 जिला जेल से। इसमें 25 व्यक्ति कॉन्टैक्ट से संबंधित हैं, जो कि पहले कोरोना पेशेंट कॉन्टैक्ट के थे। 6 व्यक्ति रैंडम सैंपल के हैं, जो कि इलाज कराने के लिए आए थे, उनके बारे में पता चला है। तो इनको अगर जोड़ लिया जाए तो आज हमारे 77 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हैं एक्टिव रूप से, क्योंकि 4 व्यक्ति आज ठीक भी हुए हैं, इसको शामिल करते हुए 77 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हैं। ताज़ा और तेज़ खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।